करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है? और इतनी सारी हेट स्पीच दादा बोलते हो आप सब लोग, ये हेट स्पीच नहीं लगती क्या आपको? खराब नहीं है? घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये खराब नहीं है? और साहब देखिए जिस हेट स्पीच का वो जिक्र करे हैं वो तो पुलिस जांच करी है, जो कानूनन होगा वो करेंगे, परंतु वो हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ। ये 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया और वहीं से ये चीज की मान्यवर शुरुआत हुई। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद 24 एक स्पीच होती है 17 फरवरी को, दादा ध्यान से सुनना, 17 फरवरी को एक संगठन चलाते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, नाम तो इतना पायस है कि हमको भी सुनने जाने का मन होगा। भाषण क्या करते हैं? हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। ये बताने के लिए मैं सब लोगों को, धर्म का नाम नहीं बोलता हूं, अवाम को हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ रोड पर आने के लिए आह्वान करता हूं। और 24 तारीख को दंगों की शुरुआत होती है, ये 17 तारीख को, ये हेट स्पीच नहीं है मान्यवर, ये हेट स्पीच नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक को एड्रेस करती है, इसलिए वो हेट स्पीच नहीं मान्यवर। उसके बाद वारिस खान पठान, जरा सुनना भाई ओवैसी जी, वारिस खान पठान 24 तारीख को दंगे होते, 19 फरवरी को क्या हुआ? 19 फरवरी को वो कहते जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छीननी पड़ती है, 15 करोड़ हम है, कौन है मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ है मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, रोड पर निकल आओ। मान्यवर, 24 को दंगा हो गया, सुनिए ना, बयान वापिस लेने से क्या है साहब? एक सर बैठ जाइए। मान्यवर, बयान वापिस लेने से नहीं होता, सोशल मीडिया के जमाने में वायरल होने से हेट स्पीच अपना असर दिखाती है। 19 फरवरी को ये बयान आया, 24 को दंगे होते। मान्यवर, और मैं बताना चाहता हूं कि इन उत्तेजनात्मक भाषणों के बाद 22 फरवरी की रात को और 23 की सुबह दिल्ली में 8-9 जगह पर अलग अलग प्रकार के धरने और उत्तेजक वातावरण होना शुरू हुआ, जो जाकर 24 तारीख को दंगों में परिवर्तित हुआ। मान्यवर, एक भाषण, वो भी हेट स्पीच हो सकती है, पुलिस जांच करेगी, परंतु एक भाषण जिसके 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ वो आपको हेट स्पीच दिखाई पड़ती है, 19 तारीख को 22 तारीख को होते हैं जिसके बाद दंगे हो जाते हैं वो हेट स्पीच नहीं दिखाई पड़ती है। हम कम से कम इस सदन के अंदर राजनीतिक रंग से कम्युनल दंगों जैसे संवेदनशील मामले को न ट्रीट करें, ये मेरा सबसे कहना है। इन्होंने कहा मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि ये षड्यंत्र है मान्यवर, सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 60 अकाउंट ऐसे मिले जो 22 के दिन शुरू हुए और 26 के दिन बंद हो गए, 60 अकाउंट। और वो क्या समझते हैं बंद करने से बच जाएंगे क्या? जहां पर भी है पुलिस ढूंढ कर निकालेगी। मान्यवर, 25 मामले हमने आईटी एक्ट के तहत दर्ज कर चुके हैं, उनको भी ढूंढ के निकालेंगे। ये जो कठोर कार्यवाही करते हैं वो बाद में कहीं आ न जाए बचाने के लिए, मेरा इतना ही सबसे